हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, मायरा, रुबैशा, बेटे वॉइस पहुंच रही है आप तक और स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी, फातिमा ने कहा यस सर, मायरा ने कहा यस सर, रुबैशा रुबैशा बेटे वॉइस पहुंच रही है आप तक और स्क्रीन शेयर हो रही है। इकरा, निशा बेटे वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। चैप्टर फोर में कल की क्लास में हमने इनवर्स की टॉपिक को कंप्लीट किया है। निशा कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। वजीहा, वजीहा बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप। बेटे वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। निशा कहती है कि सर कल मेरा नेट इश्यू था। कोई बात नहीं जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे तो वहां से भी आप सुन सकती हैं। और कल की क्लास में हमने इनवर्स मालूम करना सीखा था और इनवर्स वही है जो मैट्रिक क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। बट हमने कल जो इनवर्स लिखा था वो 3/3 का इनवर्स है और 3/3 का जो इनवर्स है वो मालूम करने का मेथड वही है। पहले मॉड निकालते हैं और मॉड के बाद हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो आज की क्लास में हम चैप्टर फोर के ही एक और टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं और चैप्टर फोर में आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल। तमाम स्टूडेंट्स आज के लिए हेडिंग डालेंगे, क्रैमर्स रूल की हेडिंग डालेंगे। तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्रैमर्स रूल। आज का टॉपिक हमारे पास है क्रैमर्स रूल। तमाम स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। नाउ द इक्वेशन इज 2x + 3y = 5, x + 4y = 7. Now in solution, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे। मैट्रिक्स ए में x का कोफिशियंट 2 है तो 2 लिखेंगे। नीचे x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लिखा गया। y के साथ 3 है, ये 3 आ गया। y के साथ बेटे 4 है तो ये 4 आ गया। तमाम स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन कर लें और उसके बाद मुझे मैसेज कर दें डन का, कंप्लीट कर, ताकि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लें। सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। फातिमा ने, इकरा ने मैसेज दिया है कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। वैशा बेटी कंप्लीट है तो आगे की तरफ मूव करेंगे। तो वैशा ने जी मैसेज दे दिया है और निशा का मैसेज आ चुका है। चलें जी आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है? नहीं जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी हैव टू फाइंड ए मॉड। आपने ए मॉड मालूम करना है। ए मॉड कैसे मालूम करते हैं वो आपको मेथड पता ही है। और 2/2 का मॉड मालूम करना तो नहायत ही आसान है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन नेगेटिव लगा कर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ गया 8 - 3।
8 माइनस 3 में 5 टू a मॉड इज इक्वल टू 5। ये रिजल्ट है मेरे पास a मॉड का। a मॉड के बाद हम यहां पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड a 1 मॉड, वी हैव टू फाइंड a 1 मॉड। तमाम स्टूडेंट्स जरा लिखना बंद कर दें और स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें कि a 1 मॉड कैसे मालूम किया जाता है। a 1 मॉड में हम करते ही हैं, तमाम स्टूडेंट जरा स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लिखना बंद कर दें जरा। a 1 मॉड मालूम करने का मेथड क्या है? उमैमा कहती हैं सर पिछली स्लाइड दिखा दें, लेट ज्वाइन किया है। उमैमा बेटी पिछली स्लाइड आपके पास आ रही है। आज हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल, तो सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to 5, x plus 4y is equal to 7। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले लिखते हैं लेट a is equal to, x के साथ 2 है ये 2 लिख लिया, y के साथ 3 है 3 लिख, फिर x के नीचे 1 है 1 आ गया, y के साथ 4 है तो ये 2 3 1 4 लिख। मैम बेटी कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आगे चलूँ। ओके जी, आपने कहा कंप्लीट है, आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है वी हैव टू फाइंड a मॉड। a मॉड मालूम करने का मेथड आपको पता ही है, 2 4 जार 8 और 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यहां बात हो रही थी वी हैव टू फाइंड a 1 मॉड। वी a 1 मॉड मालूम करने का मेथड तमाम स्टूडेंट्स समझ गए, और तमाम स्टूडेंट्स से मैं कहूंगा लिखना बंद कर दें। a 1 मॉड में हम करते ही हैं कि ये जो पहला कॉलम है और 1 इसको नहीं, a 1 mod में जो सेकंड कॉलम है 3 और 4 ये तो as it is you करेगा, पहला कॉलम नहीं लिखा जाएगा। भाई फिर पहले कॉलम की जगह लिखना क्या है? भाई पहले कॉलम की जगह पर ये जो क्वेश्चन में कांस्टेंट नंबर दिए हैं 5 और 7 इसे लिखा जाए। यानी a 1 mod में हम क्या करते हैं कि जो पहला कॉलम है वो नहीं लिखते हैं, बल्कि पहले कॉलम की जगह पर जो हमें कांस्टेंट वैल्यू दी गई है 5 और 7 उसे उतारा जाता है, जैसा कि आपके सामने ही आ ये 5 और 7 ये वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन में मौजूद हैं, और 3 और 4 ये वो सेकंड कॉलम है। फिर क्रॉस में 5 को 4 से और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है -1। a 1 mod के बाद we have to find a 2 mod। अब बेटे a 2 mod में क्या करेंगे? a 2 mod में आपने जो second column है उसकी जगह पर second column नहीं लिखना है, बल्कि second column की जगह पर आप 5 और 7 को लिखेंगे और पहला column same as it is ही रहेगा। फिर 2 को 7 से 1 को 5 से multiply कर दिया, कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया a 2 का आंसर आ गया 9। मैट्रिक क्लास में अगर आपको याद हो तो वहां पे आप d मालूम करते हैं, फिर dx मालूम करते हैं और dy मालूम करते हैं। तो फर्स्ट ईयर मैथ में हम d को a मॉड से रिप्लेस कर रहे हैं और dx को हम a 1 मॉड कह रहे हैं और dy को हम यहाँ पर a 2 मॉड कह रहे हैं। जब आपके पास a 1 mod a 2 mod आ जाए तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं नाउ x इज इक्वल टू a 1 mod डिवाइडेड बाय a mod। a 1 mod को a mod से डिवाइड कर दिया और y मालूम करने के लिए a 2 mod को हमने a 2 mod को a mod से डिवाइड कर दिया और हमारा जो रिजल्ट यहाँ पे बनता है सॉल्यूशन सेट वो है -1/5, -9/5। क्या मेथड है? पहले a मॉड मालूम करना है, फिर a 1 मॉड, फिर a 2 मॉड। a 1 मॉड में पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे। a 2 मॉड में सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर कांस्टेंट वैल्यूज लिखी जाएगी।
उमैमा, निशा, मायरा, रुबैशा, इकरा, फातिमा, क्या तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? अच्छा, मरियम कहती है, दोबारा से समझा दें। मरियम बेटे, आज हमारा जो टॉपिक है, देखिए जी, 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो चूंकि जवाब पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में जवाब नहीं लिखा हमने, ऐसी है। अच्छा जी, बुशरा कहती है सर नाव के बाद समझा दे। जी देखिए, नाव जब हमने लिखा तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, a1 मॉड को a मॉड से डिवाइड करते हैं। a1 की वैल्यू है -1 और a मॉड की वैल्यू है 5, तो -1 डिवाइडेड बाय 5। y मालूम करने के लिए a2 मॉड को a मॉड से डिवाइड करते हैं, a2 की वैल्यू 9 है, a मॉड 5 है, ये 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा, फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रैमर्स रूल। आज का टॉपिक हमारा क्या है, क्रैमर्स रूल है। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्रैमर्स रूल का टॉपिक है। क्रैमर्स रूल में हमारे पास ये इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और x + 4y = 7। सबसे पहला काम, लेट a = एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 3, ये 2 3 आ गए, नीचे 1 और 4 है, तो 1 और 4 आपके पास आ गए, एक मैट्रिक्स ही बनाना है बेटे। मैट्रिक्स पर आने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखते हैं, वी हैव टू फाइंड a मॉड। a मॉड मालूम करने का मेथड वही है जो आप सीख चुके हैं, 2 3 1 4, a मॉड निकालते हैं। लीजिए 2 4 8, 8 - 3 आपके पास ये 5 आ गए, a मॉड आ गया। फिर आपने सीखना है a1 मॉड। a1 मॉड में क्या करते हैं कि पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, 2 और 1 पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर कांस्टेंट वैल्यू जो क्वेश्चन में मौजूद थी राइट साइड में 5 और 7 उन्हें लिखा है। कैलकुलेट किया इसको, आपके पास आंसर आ गया -1। फिर a2 मॉड में क्या करते हैं, सेकंड कॉलम नहीं लिखते हैं, बल्कि इसकी जगह पर कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं जो क्वेश्चन में मौजूद। फिर मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास 9 आ गई। एक्स मालूम करने के लिए a1 मॉड को a मॉड से डिवाइड करना है बेटे, और y मालूम करने के लिए आपने a2 मॉड को जो है वो a मॉड से डिवाइड करना है, और कैंसिलेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर जो है वो मैंने ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। बुशरा बेटे बात समझ में आ गई? बुशरा और मरियम, मरियम ने कहा था दोबारा समझा दें। बुशरा बेटे और मरियम बेटे, लेकिन बुशरा ने कहा यस सर। मरियम बेटे बात समझ में आ रही? ओके जी, मरियम का मैसेज आ गया क्लियर का, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास क्या, नेक्स्ट स्लाइड में अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो भी क्रैमर्स रूल का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको 3 इक्वेशन दी जा रही है। पहले क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दी गई थी जो कि मैट्रिक क्लास से रिलेटेड था, और अब हम जा रहे हैं ऐसी इक्वेशंस पर क्रैमर्स रूल अप्लाई करना जिसमें x भी है, y भी है और z। तो सबसे पहला काम, तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर आप एक मैट्रिक्स A बनाएंगे, और उस मैट्रिक्स A में 1 2 1 2 -1 1 1 1 और -1 लिखा जाएगा। लेट a इज इक्वल टू यहाँ 1 2 1 ये आ गया, फिर 2 बेटे y के साथ 1 भी है माइनस भी है, तो -1 नीचे ये 1 आ गया, फिर 1 1 और फिर ये -1 लास्ट में। मरियम, मायरा, बुशरा, इरज, निशा, इकरा, क्या तमाम स्टूडेंट इस बात को समझ रहे? ओके जी, अब हमें नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, क्या आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड a मॉड। क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में? वी हैव टू फाइंड a मॉड।
तो अब हम इस मैट्रिक्स ए का क्या निकालेंगे, मॉड मालूम करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वी हैव टू फाइंड ए मॉड। ये आप जैसे नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं वी हैव टू फाइंड ए मॉड। अब हम इसका ए मॉड मालूम करेंगे, और भाई मॉड मालूम करना मैं पिछली क्लासेस में आपको सिखा चुका हूं। मॉड मालूम करने का मेथड ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट वन है इसको सेम एज इट इज उतारेंगे, वन के कॉलम और रो को छोड़ देंगे, जो चार एलिमेंट आपके पास बचेंगे उन्हें लिखेंगे, फिर बेटे नेगेटिव साइन खुद लगाते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट टू को सेम एज इट इज उतारते हैं, और टू के कॉलम को, ये जो टू का कॉलम है ये, और टू की जो रो है उसे छोड़ दिया जाता है, जो चार एलिमेंट बचते हैं उन्हें लिखा जाता है, फिर पॉजिटिव साइन खुद लगाते हैं, फिर लास्ट एलिमेंट वन को सेम एज इट इज उतारते हैं, उसके बाद जो वन का कॉलम है और जो वन की रो है उसको छोड़ दिया जाता है, जो चार एलिमेंट आपके पास बचते हैं उन्हें लिखते हैं, फिर ये वन का वन एज इट इज आएगा, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन दैट इज वन, तो वन माइनस वन माइनस टू एज इट इज आ जाएगा, फिर टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन दैट इज माइनस टू माइनस वन, फिर प्लस वन आपके पास, और टू प्लस वन आपके पास ये आ गए, वन माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज जीरो, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस सिक्स, और दैट इज ए मॉड इज इक्वल टू नाइन। तो हमारे पास ए मॉड का आंसर बेटे क्या आ गया, नाइन आ गया। जब आपके पास ए मॉड का आंसर नाइन आ गया तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। भाई ये मॉड मालूम करने का मेथड हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने ए वन ए मॉड मालूम करना सीख लिया। अब हम जा रहे हैं आगे किसकी तरफ मार जाएंगे भाई, नेक्स्ट लाइन में हम क्या मालूम करेंगे, वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। क्या मालूम करेंगे, वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। इरज कहती हैं कि सर पिछली स्लाइड को शो कर दें, इरज बेटे आपकी वजह से रिवर्स में मैं जा रहा हूं, और रिवर्स में ये आ गया, इरज बेटे पिछली स्लाइड ये आ गई। इरज के लिए पिछली स्लाइड आपके लिए है इरज बेटा जी, ओके सर, तो आगे चलें फिर ए मॉड की तरफ चला जाओ नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपके पास आ गई थी ए मॉड। ए मॉड मालूम करना आपने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ ही है, तो ए मॉड का आंसर हमारे पास आ रहा है नाइन। ए मॉड मालूम करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। ये आपके पास भाई नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। भाई ए वन मॉड में पहला कॉलम नहीं लिखा जाएगा, इस पहले कॉलम की जगह पर जो इक्वेशंस में कांस्टेंट वैल्यूज दी गई थी ए थ्री जीरो को लिखी जाए। भाई ए वन मॉड में पहले कॉलम की जगह पर उसकी जो अपनी वैल्यूज है वो नहीं लिखी जाएंगी, बल्कि कांस्टेंट वैल्यू ए थ्री जीरो को लिखा जाए। फिर इसे कैलकुलेट कैसे करना है, वो मेथड वही है, पहले एट लिखेंगे, एट के कॉलम को और रो को छोड़ देंगे, चार एलिमेंट जो बच गए उनको उतार लिया, फिर आपने नेगेटिव साइन खुद लगाना है, फिर बेटे टू को लिखेंगे, टू के कॉलम और रो को छोड़ देंगे, चार एलिमेंट आपके पास बच गए वो लिखे आपने, फिर पॉजिटिव साइन लगा के बेटे वन को लिखना है, वन के कॉलम और वन को रो को छोड़ दिया,
जो चार एलिमेंट आपके पास बच गए आपने उतार दिया, एक का एक सेम एज इट इज आएगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई होके वन, और फिर ये वन वन जा वन, दैट इज वन माइनस वन, माइनस टू ऐसे ही आ जाएगा, फिर थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन और जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज जीरो, प्लस का वन आपके पास, थ्री मल्टीप्लाई बाय वन इज थ्री, जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज माइनस जीरो या प्लस जीरो, बात एक ही है, वन माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एट इज जीरो, प्लस सिक्स प्लस थ्री, द आंसर इज नाइन। इकरा बेटे ए वन मॉड का आंसर नाइन आ रहा है, आपने मुझे 15 बताया। इकरा हाँ बिल्कुल बेटे, नाइन आंसर आपके पास आ रहा है, ये रिजल्ट किसका आ गया, ए वन मॉड का। ए वन मॉड के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा जाएगा, वी हैव टू फाइंड ए टू मॉड। इकरा कहती है कि सर क्वेश्चन को नोट करने में गलती हो गई, क्वेश्चन को नोट करने में क्यों गलती हो गई। इकरा ये आ गया क्वेश्चन बेटे, इकरा बेटे क्वेश्चन ये आ गया, x प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एट, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। इकरा ओके, ए वन ए मॉड के बाद ए वन मॉड, ये ए वन मॉड का आंसर आपके सामने आया था। इकरा बेटे कंप्लीट है, ए मॉड और ए वन मॉड कंप्लीट है, ओके जी। ए मॉड ए वन मॉड के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड A to mod, we have to find A to mod. A to mod में क्या करना है, सेकेंड कॉलम की जगह पर A 30 आए, A to mod में सेकेंड कॉलम की जगह पर हम A 30 को लिखेंगे, सेकेंड कॉलम की में हम A 30 को लिखेंगे। सॉल्व कैसे करना है, पहले वन, फिर वन के कॉलम और रो को छोड़ दिया, चार एलिमेंट बचे, थ्री वन जीरो माइनस वन, फिर नेगेटिव साइन खुद लगाना है, एट को लिखना है, कॉलम और रो को छोड़ दिया, फिर पॉजिटिव साइन वन को लिख के कॉलम रो को छोड़ दिया, ये वन आ गया, ये माइनस थ्री माइनस जीरो, माइनस एट, माइनस टू माइनस वन, फिर जीरो माइनस थ्री आपके पास, तो ये आ गया माइनस थ्री, ये आ गया प्लस 24, लास्ट में आ गया माइनस थ्री। नाउ द आंसर इज 18, ए टू मॉड का आंसर है 18, ए टू मॉड का आंसर है 18। इसके बाद वी हैव टू फाइंड ए थ्री मॉड, ए थ्री मॉड में थर्ड कॉलम की जगह पर 830 लिखा जाएगा और बाकी दो कॉलम सेम एज इट इज रहेंगे। चले जी, ए थ्री मॉड का आंसर आप मुझे खुद बताएं कि क्या आंसर आ। इरज, इकरा, मायरा, मरियम और फातिमा, निशा, बुशरा, ए थ्री, रुबैशा, ए थ्री मॉड का आंसर आप मुझे खुद बताएंगे कि ए थ्री मॉड का आंसर क्या है। ए थ्री मॉड में पहला और दूसरा कॉलम सेम एज इट इज उतारना है और थर्ड कॉलम की जगह पर ए थ्री जीरो को लिखना है। थर्ड ए टू मॉड के बाद ए थ्री मॉड में थर्ड कॉलम की जगह पर
830 लिखा जाएगा। थर्ड कॉलम की जगह पर 830 लिखा जाएगा। 83 मॉड का आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। 830 83 मॉड का आंसर आपने खुद बताना। मायरा ने कहा कि 83 मॉड का आंसर 30 आ रहा है, क्या सबके पास 30 है? फातिमा कहती है कि 27। मायरा बेटे 27 सही लग रहा है। इकरा ने कहा 27 है। बुशरा ने कहा कि 27 है। इरज ने कहा कि 27 है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर 27 मुझे बताया है और मेरे पास भी 27 ही है। मायरा बेटे, मायरा 27 राइट आंसर। निशा ने कहा सर 27 है। जी हाँ बेटे 27 बिल्कुल सही आंसर। तो 27 जब आपके पास आ गया तो इस तरह से आपके पास A1 मॉड भी आ चुका है, A2 मॉड भी आ गया है और A3 मॉड भी आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम नाउ लिखेंगे और नाउ लिखकर A1 मॉड डिवाइडेड बाय A mod, तो 9 डिवाइडेड बाय 9 कैंसिलेशन हो गई तो 1 आ गया। Y is equal to A2 mod डिवाइडेड बाय A mod कैंसिलेशन, तो आपके पास 2 आ गया। Now Z is equal to, चूंकि यहाँ पे Z भी है भाई इस इक्वेशन में, X भी है, Y भी है और Z भी है, तो Z is equal to A3 mod divided by A mod, now cancellation, the answer is 3। आखिर में रिजल्ट में हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है। SS का मतलब है सॉल्यूशन सेट और सॉल्यूशन सेट में हमारा रिजल्ट है 1, 2, 3। सॉल्यूशन सेट में हम लिखते हैं S.S, इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट। इक्वल का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, 1, 2, 3 लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, तो ये आपके पास आ गया 1, 2, 3। निशा बेटे, इकरा, मायरा, मरियम, वैशा, फातिमा बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इरज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा जी? फातिमा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बुशरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा जी? नो कंफ्यूजन, चलें जी। आपने कहा नो कंफ्यूजन, इरज, मायरा सबने कह दिया नो सर। अच्छा जी, तमाम स्टूडेंट ने क्रैमर्स रूल 2x2 पर कैसे अप्लाई होता है वो भी समझा और 3x3 पर कैसे अप्लाई होता है वो भी हमने समझा। आपने कहा कि आपको समझ में आ चुका है, तो चलें जी एक क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, तो चलें जी जरा इसको सॉल्व करें जल्दी से। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहां पर क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे। मैट्रिक्स ए मैंने आपके सामने बना दिया है, पहले 2 लिखना है, फिर ये 1, फिर -1, 2, 1, -1, फिर आएगा -1, 10 और 1, फिर आएगा 2, -3 और 1, ये आ गया और ये कांस्टेंट वैल्यूज है 4, 10 और -6। इसका आपने क्या मालूम करना है? पहले ए मॉड मालूम करना है। वी हैव टू फाइंड ए मॉड अप्लाइंग बोथ साइड वर्टिकल लाइंस।
ए मॉड का आंसर आप मुझे बताएंगी कि ए मॉड का आंसर क्या आ रहा है। ए मॉड का आंसर आपने मुझे बताना है। पहले एलिमेंट टू लिखेंगी, रो कॉलम छोड़ेंगी, पर नेगेटिव साइन खुद लगाएंगी। वन के साथ नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है तो आप उसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जैसे यहां लिख, पहले टू को लिखा, टू के कॉलम रो को छोड़ दिया, नेगेटिव साइन फार्मूले का, वन के साथ चूंकि नेगेटिव पहले से है तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर तीसरा साइन प्लस लगा के टू लिखा, कॉलम और रो को छोड़ दिया, ये आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करें और बताएं ए मॉड का आंसर क्या आ रहा है। मरियम, रुबैशा, इरज, इकरा, मायरा, फातिमा, ए मॉड का आंसर निशा, इरज, बुशरा, तमाम स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि ए मॉड का आंसर क्या है। ए मॉड लेंजी, फातिमा ने सबसे पहले आंसर दिया है और फातिमा कहती है कि इसका आंसर सर 46 आ रहा है। 46 लेंजी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 बनेगा, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा और 1 माइनस 3, फिर 2 प्लस 2 1 प्लस 10 और 26 माइनस 2 प्लस 22। द राइट आंसर इज 46। बिल्कुल ठीक है जी, ए मॉड का आंसर बेटे 46। इसके बाद जब ए मॉड आपके पास आ जाए तो लिखेंगे वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। ए वन मॉड में पहले कॉलम को नहीं लिखना है, इस पहले कॉलम की जगह पर, फर्स्ट कॉलम की जगह 4, 10, -6। इरज ने कहा 46 है, जी हाँ बिल्कुल 46 है। अब बेटे आगे चलेंगे ए वन मॉड की तरफ। ए वन मॉड में पहले कॉलम की जगह पर आपने 4, 10 और -6 को लिखना है। वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। ए वन मॉड we have to find a one mod, we have to find a one mod, a one mod ka answer kya hoga, a one mod mein a one mod is equal to फर्स्ट कॉलम की जगह पर 4 आएगा, 10 आएगा और -6, -1, -1, 10 और 1 ऐसी रहेगा, 2, -3 और 1 ऐसी रहेगा। ए वन मॉड, ए वन मॉड में हमारा आंसर क्या है। फातिमा ने सबसे पहले आंसर दिया है, फातिमा कहती है कि सर ए वन मॉड का आंसर 184 है। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटे आपने, ए वन मॉड का आंसर 184 बिल्कुल ठीक है। ए वन मॉड का आंसर इरश कहती है 184 बिल्कुल ठीक है बेटे। ए वन मॉड के बाद आगे चलें, वी हैव टू फाइंड ए टू मॉड। ए वन मॉड के बाद आगे चलें, वी हैव टू फाइंड ए टू मॉड। ए वन मॉड के बाद ए टू मॉड मालूम करेंगे। ए
वन मॉड के बाद ए टू मॉड में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे फोर टेन माइनस सिक्स के साथ, फोर टेन और माइनस सिक्स के साथ। फातिमा बड़ी बात समझ में आ रही है, 184 इसका आंसर है। बुशरा, फातिमा, मरियम, ए वन मॉड का आंसर क्या 184 है आपके पास? बुशरा ने कहा जी सर, मायरा ने भी कहा यस सर। ओके जी, ए वन मॉड के बाद ए टू मॉड का आंसर क्या है? ए टू मॉड, ए टू मॉड, ले जी। फातिमा कहती हैं कि सर जो ए टू मॉड है उसका आंसर जीरो है। क्या सबके पास जीरो है? ए टू मॉड का आंसर जीरो बताया जा रहा है। ए टू मॉड का आंसर जीरो बिल्कुल ठीक है। ए भूषण कहती हैं कि जी सर जीरो ही है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। ए टू मॉड का आंसर जीरो जब आपके पास आ जाए तो फिर ए थ्री मॉड की तरफ चले। ए थ्री मॉड, ए टू मॉड के बाद ए थ्री मॉड। A थ्री मॉड, A मॉड, A वन मॉड, A टू मॉड और इसके बाद लास्ट में हमारा होगा A थ्री मॉड। A टू मॉड का आंसर जीरो है और मायरा मरियम ने भी कहा जीरो है। अब आगे हम चलते हैं A थ्री मॉड की तरफ और देखते हैं कि ए थ्री मॉड का आंसर क्या है। बुशरा बेटे फाइंड आउट कर रही हैं ए थ्री मॉड। बुशरा और इरज बेटे फाइंड आउट कर रही हैं आप भी ए थ्री मॉड। बुशरा और इरज, ए थ्री मॉड आंसर आपके पास क्या है? ए थ्री मॉड, ए थ्री मॉड का आंसर फातिमा ने सबसे पहले फिर आंसर दिया और ये कहती है इसका आंसर है सर माइनस 92। माइनस 92, माइनस 92। बुशरा कहती हैं कि सर 92 आ रहा है, माइनस 92। बुशरा बेटे माइनस 92 है क्योंकि माइनस 140 है यहाँ पर और फिर नेगेटिव बड़ी टर्म के साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसलिए नेगेटिव आ रही है। बुशरा बेटे
मायरा ने -92 कहा है, बुशरा बुशरा बेटा जी -92 चेक कर लें। ओके जी आपने ठीक कर लिया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, नाउ ए वन मॉड डिवाइडेड बाई ए मॉड। निशा कहती है 92। निशा बेटे -92 सही आंसर है, आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, चेक कर लें कहां से मिस्टेक हो रही है। निशा निशा ओके जी, निशा बेटे ठीक कर लिया आपने, -92 है। ओके जी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, नाउ एक्स इज इक्वल टू ए वन मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। नेक्स्ट लाइन में नाउ एक्स इज इक्वल टू ए वन मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड, तो 184 को 46 से डिवाइड करेंगे तो 4। ए टू मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड जब होगा तो आंसर 0 आ जाए, और जब ए थ्री मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड होगा तो आंसर -2 आ जाएगा, और सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन रहा है 4 0 -2। मायरा ने कहा बिल्कुल ठीक आंसर है। हिरज ने कहा यस सर यही आंसर है। निशा कहती है यही आंसर है। ओके जी हिरज ने कहा सर ये -2 4 0 -2 है। ठीक है जी मायरा ने 4 0 -2 कहा। तो इस तरह से आपने एक ऐसी इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व किया जिसमें 3 वेरिएबल थे, एक एक्स एक वाई और एक जेड, और 3 इक्वेशन हमें दी गई, पहले ए मॉड ए वन मॉड और फिर ए टू मॉड ए थ्री मॉड। ए वन मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड एक्स के लिए, ए टू मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड वाई के लिए, ए थ्री मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड जेड के लिए। चलिए आपके लिए आपके होमवर्क में क्वेश्चन आपको दे रहा, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्स वाई जेड है, और इसी क्वेश्चन पर आपकी जो मैं क्लास है इसको ऑफ कर दूंगा। आज हमने क्रैमर रूल के टॉपिक को कंप्लीट किया है, और क्या तमाम स्टूडेंट को आज का लेक्चर 100% समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और 100% सेटिस्फाइड है आज के लेक्चर्स से आप, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर रही हो आपको। ओके लेकिन निशा ने कहा है कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, फातिमा कहती है 100% सेटिस्फाइड है। चलिए इसी होमवर्क को नोट कर लें, और तमाम स्टूडेंट से अल्लाह हाफिज, तो और मुझे अल्लाह हाफिज कहते जाए और ग्रुप से लीव करते चले जाए। निशा कहती हैं कि सर आप थोड़ा जल्दी छुट्टी देते हैं। असल में निशा बेटे हम कोशिश करते हैं कि एक क्लास में एक टॉपिक जो है वो जरा कंप्लीट हो जाए, वो समझ में आ जाए, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो बेहतर यह है कि कम पढ़ा जाए लेकिन अच्छा पढ़ा जाए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। और अभी चूंकि जस्ट हमारी स्टार्टिंग क्लासेस हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल आपका माइंड बन जाए तो फिर हम और तेजी के साथ चीजों को पढ़ें। निशा बेटे आज समझ में आ रही है? ओके जी आपने कहा जी सर। ओके जी अल्लाह हाफिज तमाम स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज करते जाएंगे, और